और वहीं भारत और ईरान के बीच हुए एक समझौते से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। क्या है ये डील और क्यों परेशान है चीन और पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर देने वाली खबर आई है। ईरान का चाबहार बंदरगाह अब अगले 10 सालों तक भारत का हो गया है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 साल के करार पर हस्ताक्षर किया। भारत के इस कदम से न केवल देश को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस कदम को चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह और अब भारत द्वारा संचालित किए जाने वाले चाबहार बंदरगाह के बीच समुद्री मार्ग की दूरी केवल 172 किलोमीटर है। और ऐसे कई देश हैं जो चाबहार बंदरगाह का यूज अपने कारोबार के लिए करना चाहते हैं। भारत की ये डील रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि इससे मध्य एशिया तक भारत की राह सीधी और आसान हो जाएगी। अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जवाब है। चाबहार पारंपरिक सिल्क रोड के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। चाबहार व्यापार और निवेश के अवसरों के नए रास्ते खोलेगा। दरअसल भारत चाहता है कि चाबहार बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में एक प्रमुख केंद्र बने। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच इस गलियारे का महत्व और बढ़ जाता है। रिपोर्ट की माने तो भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में बंदरगाह पर चर्चा शुरू की थी। यह बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी सबसे अहम बात यह है कि चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र गहरे समुद्र वाला बंदरगाह है, जिसकी समुद्र तक सीधी पहुंच है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से भी छूट प्राप्त है, जो इसे न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण बनाता है। इस बंदरगाह का उपयोग करके अब भारत पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अपना माल सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है। अब तक भारत को व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब इस बंदरगाह से पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।